शैक्षणिक वासना के अंतर्गत हिंदी के प्रणेता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपका पात्रों से परिचय करा देता हूँ। आमिर का रोल किया है समर ने, दादी अमीना का रोल किया है प्रियांशी ने, महमूद का रोल किया है फैजल ने, शम्मी का मनीष ने, नूरे का आदित्य ने और मोहसिन का किया है कुंवर प्रताप ने। दुकान वाले बने हैं सागर और मैं आयुष हूँ जो आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सभी बहुत खुश हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं बच्चे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने माँ भी नहीं। बच्चों के लिए तो सिर्फ ईद है, वे बहुत खुश हैं और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। हामिद अपनी दादी के पास जाता है और बोलता है, दादी दादी क्या मैं मेले में जा सकता हूँ? जरूर हामिद जरूर। ये सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे पैसे देकर ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, लेकिन नन्हे हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं। उसके पाँव में जूता नहीं है, सर पर पुरानी टोपी है, इसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद भी इन सभी के साथ मेला जाता है। गांव से मेला चलता है, बच्चे दौड़ते हुए भागे चले जा रहे हैं। हामिद के पाँव में मानो पंख लग गए हैं। वे ईदगाह पहुंच जाते हैं, नमाज खत्म हो चुकी है, वे सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद खिलौने और मिठाइयों की दुकानों पर धावा होता है। इधर दूसरी तरफ झूले लगे हैं, एक हिंडोला है, एक पैसे देकर बैठ जाओ। इधर चरखी है, एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का बजा। महमूद सभी बूढ़े मोहसिन सभी इन झूलों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे उसके पास है, वह झूला कैसे झूले? सभी झूला झूलते हैं और झूले से उतरने के बाद वे सभी खिलौनों की दुकानों की तरफ जाते हैं। अब खिलौने लेंगे। मैं तो ये सिपाही लूंगा, मुझे यही पसंद आ रहा है। अरे वाह, कितने सारे खिलौने हैं, मैं तो इन्हें बेचती ही कोई चलूंगा। अरे वाह, कितने सारे खिलौने हैं, इनमें से मुझे कौन सा लेना चाहिए? एक काम करता हूँ, वकील लेता हूँ, यही मुझे सब में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कितने अच्छे खिलौने हैं, मुझे ये खंजरी ही अच्छी लग रही है, इसे ही ले लेता हूँ। ये सभी खिलौने दो लोग पैसे के थे। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और मिठाइयाँ खरीदेंगे। कोई रेवड़ी खरीदता है, कोई सोहन हलवा तो कोई गुलाब जामुन। सभी मजे से मिठाइयाँ खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर लोहे के सामान की दुकान है, बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं। वे सभी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है। दादी के पास चिंता नहीं है, जब वो रोटियाँ बनाती है तो उसकी उंगलियाँ जल जाती हैं, क्यों ना मैं दादी के लिए चिंता ले लूं। तब उनकी उंगलियाँ कभी ना जलेंगी। भाईजान भाईजान, यह चिंता कितने का है? यह तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है तभी तो रखा है। तो बताते क्यों नहीं, गैर पैसे का है? 6 पैसे का है। ठीक ठीक बताओ। 5 पैसे में लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। 3 पैसे में दोगे? 3 ही पैसे में ले लो। हामिद चिंता लेकर आगे बढ़ता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अरे पहले ये क्या लाया, ये चिंता, इससे क्या आएगा? जरा अपना भिस्ती जमीन पर पटक कर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी, लेकिन मेरे चिंते का बाल भी बाका ना होगा। और अगर मैं तुम्हारे इन खिलौनों पर एक चिंता जमा दूं तो तुम्हारे खिलौनों की जान निकल जाए, और तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए लेकिन मेरे चिंते का बाल भी बाका ना कर पाए। तो ये कोई खिलौना है हामिद? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिट्टा, और चाहूं तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूं।
मेरी खंजरी से बदलोगे तो आने की है। तुम्हारी ये खंजरी मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी इस खंजरी का पेट फाड़ डाले। अरे थोड़ा सा चमड़ा क्या लगा दिया, धब धब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, लेकिन मेरा चिमटा आंधी तूफान पानी आग सब में डटा खड़ा रहेगा। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। मेरा चिमटा अभी विष्टि को टांट लगाएगा और वो थोड़ा थोड़ा जाकर पानी भरकर द्वार पर छिड़केगा। अगर पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, फिर वकील साहब के पैर पड़ेंगे। लेकिन हमें पकड़ने कौन आएगा? ये बंदूक वाला सिपाही, ये मिट्टी का सिपाही, जरा लाओ कुश्ती हो जाए। अरे ये तुम्हारा सिपाही तो इसकी सूरत देखकर ही भागेगा, पकड़ना तो दूर की बात है। अच्छा तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। आग में सिर्फ बहादुर ही कूदते हैं जना, आग में सिर्फ रुस्त में ही चिमटा ही कूद सकता है। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने पर जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा। अगर वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो चिमटा जाएगा और उन्हें जमीन पर गिरा कर उनका कान उनके पेट में डाल देगा। चिमटे ने सभी को परास्त कर दिया था, चिमटा विजयी हो गया था। अब इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब वे लोग हामिद से संधि की बातें करने लगते हैं। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो और अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा चिमटा। हामिद सभी एक दूसरे देखता है और बारी बारी से चिमटे को सभी देखते हैं। हामिद सोचता है, अरे वाह कितने सुंदर खिलौने हैं ये। अरे सच मैं तो तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था, यह चिमटा भरा इन खिलौनों का क्या मुकाबला करेगा? लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा। दुआ तो ये फिरते हो, उल्टा मारना पड़ेगी। अमार ये ना कहेगी कि मेरे में सिर्फ यही मिट्टी के खिलौने मिले। ये सभी बातें करते करते वे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। हामिद अपने घर पहुंचता है, उसे देखकर उसकी दादी अमीना दौड़ी आती है और उससे कहती है, हामिद तुम वापस आ गए? जी दादी। अरे ये चिमटा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। ये लड़का कैसा बेशरम हो गया है, इतने बड़ा होकर भी चिमटा लेकर आया है। पूरे मेले में क्या करा तुमने, कुछ खाया भी? क्यों लाया ये चिमटा? दादी जब तुम रोटियां बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ। अब तुम्हारी उंगलियां कभी ना जलेंगी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने देते देख, मिठाई खाते देख, इसका मन नहीं बचाया होगा। दादी हामिद की समझदारी देखकर गदगद बोल जाती है, उसका मन बहुत प्रसन्न होता है, वह रोने लगती है और हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। इस प्रकार नाटक का अंत होता है। यह नाटक 5वीं कक्षा की पुस्तक से लिया गया है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। धन्यवाद।